बाबा, अब तक तो अंश के जख्म ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन पर तो कोई असर नहीं हो रहा। गुड़िया, वो इसलिए क्योंकि अंश ने दो चांद रात रस पी लिया था और उसने इसे बहुत कमजोर बना दिया। तो क्या इस तरह अंश को ठंड में रखने से उसकी ताकत वापस आ जाएगी क्या? चांद की तासीर ठंडी होती है, इसलिए उत्तरायण के सूरज की गर्मी और धूप ये सह नहीं पाया। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, हमें इसे इसी तरह ठंड में और कम रोशनी में रखना होगा। और हाँ, अंश को तेज रोशनी से दूरी रखना होगा, वरना इसकी हालत और खराब हो सकती है। पापा ने कहा है तुम्हारे अंदर से वो दो चांद रात रस का असर खत्म हो चुका होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रस बचा हुआ होगा तो उससे बाहर निकालने का कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। I'm sorry, पिया। किस लिए? आयुष इतने सालों बाद वापस लौटा है, कि तुम्हारे और पापा के लिए बहुत खुशी की बात है। तुम लोग मेरी वजह से खुशी मना नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है अंश, मेरी खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है, और खुशी का मिलना इम्पोर्टेंट है, ना कि उसका सेलिब्रेट करना। मेरा भाई ठीक हो गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सेलिब्रेट हम तब करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। इनफैक्ट तब डबल सेलिब्रेशन होगी, है ना? अंश, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। क्या इस लैब तुम्हें ठंडक देगी? और बाबा ने कहा है ठंडक ही तुम्हें हील कर सकती है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके, अंश, ये क्या हो रहा है तुम्हें? इतनी ठंड में भी तुम्हें पसीना आ रहा है? इट्स ओके पिया, मैं ठीक हूँ। नहीं अंश, तुम ठीक नहीं हो, कमरा ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे है, फिर भी तुम्हें तो पसीना निकल रहा है। मैं अभी बाबा से पूछती हूँ। बाबा, बाबा, क्या हुआ गुड़िया? कमरे में इतनी ठंडी है, फिर भी अंश को बहुत पसीना आ रहा है, कि दो चांद रात रस का असर खत्म कैसे कर सकते हैं? गुड़िया, हमने अंश को धूप और गर्मी से बचाने के लिए हमने उसे कम रोशनी वाली जगह और ठंडी जगह में रखा, मुझे लग रहा है शायद इतना करना काफी नहीं है। हमें उसे किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां धूप कभी पहुंची ही ना हो। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? एक जगह है। मेरी बात ध्यान से सुनो गुड़िया, जैसे ही वो दो चांद रात रस अंश के अंदर से बाहर निकलेगा तो वो एक तत्व बनकर समंदर से बाहर आने वाला है। तुम्हें बस उस तत्व को इस बॉटल के अंदर कलेक्ट करना है जी। अब हमें बस उस तत्व के बाहर आने का इंतजार करना होगा। बॉटल में कलेक्ट करो जल्दी। हाँ। कुछ अब तक बाहर क्यों नहीं आया? आज दिखाई नहीं दे रहा बाबा,
वो ठीक तो होगा ना? बुढ़िया वो आ जाएगा। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में, मुझे जाना होगा। नहीं गुड़िया, अंश एक गावंश है, वो अपना ख्याल रख सकता है। प्लीज फिक्र मत करो, तुम बस इस तत्व का ध्यान रखो। सावी, सावी मैं क्या सुन रहा हूँ? वो सोने वाली है। मैं सावी आंटी को दो मिनट के लिए ले जाऊं? मेरे साथ आओ। क्या हो गया तुम्हारे? तुमने नमन से एंगेजमेंट कर ली? मतलब मुझसे बात करना ठीक नहीं समझा? नहीं दाई, ये बस एक नाटक है। मैं सिर्फ नमन की हेल्प कर रही हूँ। हेल्प? ऐसे करोगी हेल्प उससे एंगेजमेंट करके? क्या मजाक है ये सब? कल को उसकी हेल्प करने के लिए तुम उससे शादी करोगी क्या? डैड हम बस ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ताकि दिलरुबा चुड़ैल लोग से बाहर आ जाए। What? और अगर दिलरुबा को फ्रेम से निकालने के लिए मुझे शादी भी करनी पड़े तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ डैड। क्या कह रही हो तुम? आई नो नमन स्टूपिड है, इडियट है, सब सब काम गड़बड़ कर देता, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है डैड। इंसान नहीं है, चुड़ैल है वो। और वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड, एक बहुत अच्छा डैड और कितना ब्रेव रीवावंशी भी है ना डैड। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमेशा हमारे लिए खड़ा हुआ है और मेरे लिए कितनी बार खड़ा हुआ है। साहिब बेटा क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पहली बार जिंदगी में तुम्हें किसी और की इतनी तारीफ करते हुए सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम नमन की हेल्प करना चाहते हो एंड इट्स ओके, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं उसकी हेल्प करते करते तुम्हें चोट ना पहुंच जाए। इट डजंट मैटर, अगर डफली और नमन को दिलरुबा से मिलाने के लिए मुझे अगर चोट भी खानी पड़े तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है कि नमन दिलरुबा से कितना प्यार करता है, वो जिंदगी भर उसका इंतजार करते रहेगा डैड। लेकिन इस इंतजार का कोई फायदा नहीं है, ये तुम भी जानती हो। दिलरुबा मर चुकी है सावी, वो अब इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, और ये बात नमन को समझनी पड़ेगी, और अगर उसके समझ में नहीं आ रही तो उसे हमें समझाना पड़ेगा। मैं ही जाकर बता दूँ। नहीं 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 डैड प्लीज, अभी उसे कुछ मत बताइए। अगर वो कोशिश कर रहा है तो प्लीज उसे कोशिश कर लेने दीजिए। सभी डैड मैं नहीं चाहती कि नमन की उम्मीद और उसका दिल टूटे। वो दिलरुबा से बहुत प्यार करता है डैड, और अगर किसी भी तरह उसे दिलरुबा वापस मिलती है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। प्लीज डैड लेट हिम ट्राई।